एल्विस यादव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। यूट्यूबर को नोएडा पुलिस ने कोबरा कांड मामले में गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। बीते दिनों नोएडा पुलिस ने सांपों के जहर के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। एल्विस यादव एक बार फिर मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। बता दें, सांपों के जहर मामले में नोएडा पुलिस ने एक्शन लेते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। यूट्यूबर पर पार्टी में सांपों के जहर के इस्तेमाल करने का बड़ा आरोप लगा है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने नोएडा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनका मेडिकल चेकअप भी करवाया है। बता दें, 8 नवंबर को नोएडा पुलिस ने रेव पार्टी में सांप के जहर के इस्तेमाल मामले में FIR दर्ज की थी। इस केस में यूट्यूबर एल्विस यादव भी आरोपी हैं। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसमें राहुल, टीटूनाथ, जयकरण, नारायण और रविनाथ शामिल है। पुलिस को राहुल नाम के लड़के के पास 20 ml जहर मिला था। मामला सामने आने के बाद एल्विस ने अपनी सफाई देते हुए इंस्टा पर वीडियो पोस्ट किया था। उन्होंने कहा था, मैं सुबह उठा, मैंने मीडिया में न्यूज देखी कि एल्विस यादव नशीले पदार्थ के बिजनेस में शामिल है, वो अरेस्ट हो गए हैं। मैं बता दूं कि मेरे खिलाफ जितनी भी चीजें चल रही हैं वो फेक हैं और मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेकर जो भी बातें की जा रही है उसमें किसी तरह की सच्चाई नहीं है। आरोपों में मेरा नाम खराब ना करें, मैं पुलिस के साथ सहयोग करने को तैयार हूं। मैं पुलिस और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निवेदन करना चाहता हूं कि इस चीज में अगर मेरे खिलाफ 1% भी आरोप साबित हुए तो मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। बता दें, इस पूरे मामले में एल्विस ने खुद को निर्दोष बताया है। उनके मुताबिक इस केस में उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाल ही में सामने आए एक ऑडियो क्लिप में एल्विस का नाम सामने आया था। ऑडियो में गिरफ्तार आरोपी राहुल यादव, जो कि PFA के मेंबर हैं, उन्होंने बताया कि उसने एल्विस की पार्टी में ये ड्रग्स पहुंचाया था। वर्क फ्रंट की बात करें तो एल्विस यादव सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस OTT2 के विजेता रह चुके हैं। पहली बार एल्विस ने इतिहास रचा था जहां किसी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट ने बिग बॉस की ट्रॉफी जीती थी। शो से निकलने के बाद एल्विस कई म्यूजिकल वीडियोस में नजर आए हैं। 15 मार्च को एल्विस और माहिरा शर्मा का नया गाना मेरे शहर में रिलीज हुआ है। यूट्यूबर को इसका बहुत प्यार मिल रहा है। अब फिलहाल एल्विस यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्हें नोएडा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो हम आपको दे रहे हैं कि एल्विस यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है।